नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। मैं पलवल हरियाणा का रहने वाला हूँ। जब मैं 1 साल का था, तब मेरे मतलब मेरे पैर को पोलियो हो गया था। तो पोलियो होने से मेरा पैर हवा में लटक गया था, तो जिससे मेरे घर वाले बहुत ही दुखी हो गए थे। घर वालों ने इधर उधर डॉक्टरों से मतलब कंसल्ट करा के चेक भी कराया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके मेरे पैर में जो मसल्स थी सारी मतलब कमज़ोर होने लगी और मेरा पैर पतला होने लगा। तो जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे घर वालों ने पास के हॉस्पिटल में मेरे पैर का ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने से थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हुआ था, बट मतलब जो फ़ायदा मेरे को चाहिए था वो फ़ायदा मेरे को नहीं हुआ। उसके बाद जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, मेरा पैर बाहर की तरफ निकलने लगा और मेरे में जैसे ही वेट बढ़ने लगा तो मेरा पैर की डायरेक्शन एक साइड में होने लगी। घुटना अंदर की तरफ जाने लगा और नीचे से पैर बाहर की तरफ निकल गया। उसके बाद मैंने नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में मैंने डॉक्टरों से दिखाया, तो डॉक्टरों ने बोला कि ऑपरेशन तो हो जाएगा बट गारंटी नहीं है। तो फिर भी मैंने वहाँ पे मतलब ऑपरेशन अपना कराया और ऑपरेशन कराने के बाद उन्होंने 3 से 5 दिन तक मेरे को हॉस्पिटल में रखा। उसके बाद प्लास्टर चढ़ा के मेरे को घर पे भेज दिया। प्लास्टर कटवाने के लिए जब मैं करीब 30 से 45 दिन के बाद हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने मेरे को कैलिपर दिया और मेरे को बैसाखी दे दी पहनने, बैसाखी से चलने के लिए उन्होंने बोला। उसके बाद जैसे जैसे फिर मेरी एज बढ़ती गई, मेरे में वेट बढ़ता गया तो मेरा पैर में और मसल्स कमज़ोर होती गई। धीरे धीरे मेरे पैर की स्टैंडिंग स्टेबिलिटी और वॉकिंग स्टेबिलिटी भी कम होती गई, जिससे मेरे घर वाले और परेशान हो गए। तो एक दिन मैंने YouTube चैनल पे ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था हॉस्पिटल के बारे में जिससे मतलब पोलियो पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सके, तो मेरे को भोला हॉस्पिटल के बारे में पता चला। जो कि भोला हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में पड़ता है, उसका मैंने अपने घर वालों को उसके बारे में बताया कि मतलब भोला हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में पड़ता है जहाँ पोलियो पेशेंट का इलाज होता है। उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे से बोला कि ठीक है, एक बार चेकअप कराते हैं वहाँ पर, जैसा भी होगा उसके बाद देखते हैं। तो मैं 2023 अप्रैल 2023 में मैं हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए अकेला आया था। तो मैंने जैसे ही मैं काउंटर पे आया तो एक मतलब किसी अटेंडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से मैं वापस अपने घर चला गया। उसके बाद मैंने 2023 में ही भोला हॉस्पिटल का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया था। धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट होगी मतलब वीडियो अपलोड होती थी तो मैं उन पे वीडियो को देखता और धीरे धीरे मेरे को मतलब ये उम्मीद सी जागने लगी कि मतलब मेरे पैर का भी इलाज वहाँ पे हो सकता है और मेरा पैर में जो दिक्कत है उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने अपने घर वालों को बताया कि मतलब भोला हॉस्पिटल तो अच्छा है, एक बार कंसल्ट कराने के बाद और अच्छे से पता चलेगा कि मतलब पैर में कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। फिर मेरे मम्मी पापा और मैं यहाँ पे चेकअप कराने के लिए आए। चेकअप कराने के बाद जैसे ही भोला सर से हमारी बातें हुई, उन्होंने चेकअप वगैरह किए तो उन्होंने बताया कि भाई गारंटी तो 1% भी नहीं है, बट इससे बेहतर हो सकता है, ये मतलब हम आपको दिलासा दे सकते हैं, बट गारंटी नहीं है, गारंटी 1% भी गारंटी नहीं है पैर में कितना इम्प्रूवमेंट हो, बट बेहतर हो सकता है। तो मेरे घर वालों ने सोचा कि बेहतर हो सकता है तो हम एक बार और ऑपरेशन करा लेते हैं। जब 2 बार ऑपरेशन करा लिया तो एक बार और हम चांस लेके देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही 6 मार्च 2024 को मैं और मेरे मम्मी पापा मेरे पैर के ऑपरेशन कराने के लिए भोला हॉस्पिटल में आए, तो उन्होंने सारे ब्लड टेस्ट वगैरह जितने भी चेकअप होते हैं चेकअप करने के बाद मेरा ऑपरेशन 16 मार्च को फिक्स कर दिया। 16 मार्च 2024 को जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के 24 घंटे बाद ही मेरे को इतने फ़ायदे हो गए जो कि मैं मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने रिजल्ट मेरे को साथ के साथ में मिल जाएंगे। ऑपरेशन से पहले मेरे पैर पे 0% लोडिंग थी, स्टैंडिंग स्टेबिलिटी भी 0% थी, वॉकिंग स्टेबिलिटी 0% थी। लास्ट दस मिनट तक चलता था, इतनी थकान हो जाती थी कि ऐसे लगता था कि जैसे अब बैठ जाऊँ, कम से कम 15 मिनट रेस्ट करूँ फिर चलूँ। ऑपरेशन के 24 घंटे बाद इतने रिजल्ट मेरे को मिले कि मेरी स्टैंडिंग स्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो गई कि मेरा पोस्चर सीधा हो गया
और ऑपरेशन से पहले मेरा हिप भी लॉक नहीं था, नी भी लॉक नहीं था। ऑपरेशन के बाद जैसे मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि मेरा हिप भी लॉक हो गया, नी भी लॉक हो गया, जैसे पैर की अलाइनमेंट हुई तो मेरा सारा वेट पैर पे ऐसे आ गया कि मेरे को पता ही नहीं चल, मेरे दूसरे पैर को तो यही पता नहीं चल रहा था कि मतलब इस पैर पे कितना वेट है, दोनों पैरों पे बराबर वेट आ गया। बराबर जितना वेट आया तो मेरे जो मेरा सही पैर था उस पैर को तो मतलब इतना फ्री हो गया पैर कि उसने जो 30 साल तक मेहनत की चलने में, 30 साल बाद मेरे ठीक पैर को ये लगने लगा कि हाँ कि मेरा भी कोई साथ देने वाला मिल गया। उसके बाद मेरे को अब जैसे जैसे मेरे ऑपरेशन के दिन बढ़ते जा रहे हैं मेरे को अच्छी रिकवरी मिल रही है, इम्प्रूवमेंट अच्छा आ रहा है, स्टैंडिंग स्टेबिलिटी कम से कम 24 घंटे बाद ही मेरी 50% हो गई थी, वॉकिंग स्टेबिलिटी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा। मेरे ऑपरेशन से पहले जो मेरा ठीक पैर था उसमें भी दर्द रहता था काफ़ी, ऑपरेशन के बाद मेरे ठीक पैर भी रिलैक्स हो गया, ना कोई पेन रहता है और चलने में भी अच्छी, मतलब मेरे को बहुत आनंद आता है। ऑपरेशन से पहले मेरी खड़े होने की कैपेसिटी बहुत कम थी, खड़े होने की कैपेसिटी भी कम थी और चलने की भी कैपेसिटी कम थी। मैं ऑपरेशन से पहले 2 से 3 मिनट तक चलता था, ऑपरेशन के बाद मैं अब दो से तीन घंटे डेली रेगुलर चल रहा हूँ। ऑपरेशन से पहले मेरे कमर में भी दर्द रहता था, ऑपरेशन के बाद मेरे कमर का दर्द भी दूर हो गया है। ऑपरेशन से पहले मुझे चलने में बहुत पसीने आते थे और मेरा सांस भी चढ़ जाता था। ऑपरेशन के बाद मेरे को चलने में ना तो मेरे को पसीने आते हैं और ना मेरा सांस चढ़ता है, कम से कम 3-4 घंटे लगातार चलता हूँ डेली। ऑपरेशन से पहले मेरा पोस्चर टेढ़ा हुआ पड़ा था, ऑपरेशन के बाद मेरा पोस्चर सीधा हो गया। ऑपरेशन से पहले मेरा घुटना आगे की तरफ था, ऑपरेशन के बाद मेरा घुटना लॉक हो गया है। ऑपरेशन से पहले मेरा पैर एक साइड टेढ़ा हुआ पड़ा था, ऑपरेशन के बाद मेरा पैर सीधा हो गया है। ऑपरेशन से पहले मेरे जो सीधा पैर था उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, ऑपरेशन के बाद मेरे सीधे पैर में भी काफ़ी राहत मिली है, अब 1% भी दर्द नहीं रहता है। ऑपरेशन से पहले मेरे उल्टे पैर में 0% लोडिंग थी, ऑपरेशन के बाद मेरे दोनों पैरों पे बराबर वजन आ गया है। ऑपरेशन से पहले मेरा हिप भी लॉक नहीं होता था, ऑपरेशन के बाद मेरा हिप भी लॉक हो गया है। और मैं सभी जितने भी पोलियो पेशेंट हैं सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि एक बार भोला हॉस्पिटल में ज़रूर चेकअप कराएँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए और आपके जीवन में अनेक अन्य प्रकार की खुशियाँ आए। मैं 0% गारंटी होती है, बट मैं दिल से बोलता हूँ कि 100% गारंटी के हिसाब से यहाँ पे आए और एक उम्मीद, एक नई आशा लेकर एक बार ज़रूर चेकअप कराएं। थैंक यू। मैं भोला सर का और सभी स्टाफ का दिल से धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ मतलब इतने अच्छे से देखभाल की और मेरी टाइम टू टाइम ड्रेसिंग मतलब इतना अच्छे से देखभाल की कि अगर मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन कराता तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे मतलब इतनी मेरी देखभाल नहीं हो पाती। इसलिए और डॉक्टर सलोनी, डॉक्टर चारू मैम और डॉक्टर शुभम सर। नमस्कार जी, मैं गौरव की मम्मी भोला सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पे अपने बच्चे को इसको लेके आई हूँ तो इसके मतलब मेरे को कोई 3 महीना रहे, कोई परेशानी नहीं हुई, मेरे बेटा की टांग बहुत अच्छी हो गई है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भोला सर को, हमको यहाँ पे रहने में कोई परेशानी नहीं हुई, 3 महीना अच्छे से हमारे गुजर गए। नमस्कार। आपको पोलियो है? हम कंप्यूटर और इलिजारो तकनीक से पोलियो पेशेंट का इलाज करते हैं और उन्हें बेहतर से चलने में सक्षम करते हैं। हमें कॉल करें और अपॉइंटमेंट लेकर एक बार जरूर दिखाएं। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। भोला हॉस्पिटल, कुरुक्षेत्र।